सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारे वीडियोस सबसे पहले। Hi guys, welcome back to Ambrose Reactions. This is Rehan and this is Sahil. So we are back again with another reaction video. आज का वीडियो होने वाला है सर से धुआं, समी की पाकिस्तान नेशनलिटी एंड बहुत कुछ। अच्छा, डेरेन सैमी क्रिकोमेडी एपिसोड 20। सो गाइज, ये वीडियो के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार इनका CBA का नया वीडियो आया है, इस पर आप रिएक्शन करो। और CBA चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इनको भी आप सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। और फिलहाल हम इस वीडियो को देखते हैं। समी की पाकिस्तानी नेशनलिटी है, मुझे जानना है क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं। हाँ, ये क्या मैटर है भाई। सो देखते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है वीडियो बड़ी। इस ऐप के थ्रू आप सभी लेटेस्ट बॉलीवुड, हॉलीवुड या किसी भी इंडस्ट्री की मूवीज़ देख सकते हैं, लेटेस्ट या फिर ओल्ड। आपको सिर्फ उसमें टैब्स दिए होते हैं, वेब सीरीज़ का अलग टैब होता है, मूवीज़ का अलग टैब होता है, तो सब में आप अलग अलग टैब्स में जाके अलग अलग टाइप की मूवीज़ देख सकते हैं। और साथ में इसमें अगर आपको कोई मूवी मिल नहीं रही तो ऊपर सर्च का ऑप्शन है, वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो बेस्ट वेबसाइट प्रोवाइड कराता है ये, जहाँ से आप मूवी बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी मूवी। मैंने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मूवी ढूंढी हो और इस पर मिली ना हो, चाहे वो बॉलीवुड ले लो या हॉलीवुड ले लो, कहीं भी देख लेते हैं यार। हाँ। तो मेरे को देखने मिल जाती है बिल्कुल। तो गाइस, इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आपको करना ही है कि डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा अर्न मनी, एक लिंक खुलेगा, वहाँ एक वेबसाइट खुलेगी, वहाँ दिखेगा अर्न मनी, और उस पर क्लिक करेंगे आप तो वो ऐप आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लग जाएगा, और ना हो तो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा डाउनलोड पेज पे। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना, अननोन सोर्स ऑन कर लेना, उसके बाद इंस्टॉल होगा और आप फिर लेटेस्ट मूवीज़ का मज़ा ले सकते हैं। आज की वीडियो में मिलेगा गौरी की टेंट से भरती हुई भाप ने किया सबको परेशान, और लोगों को यही शक रहा कि क्या ये बाकी भाप है या इसकी रूह ऐसा ऐसा करके लाहौर के अंदर सो गालियां देने के लिए अल्फाज मिलना अब बहुत मुश्किल हो गए, जिसके लिए उर्दू अदब सोसाइटी ने एक हंगामी अजलास बुलवाया है जिसके अंदर नई नई गालियां दरियाफ्त करके आवाम के सामने प्रेजेंट की जाएंगी। इस PSL सीजन के स्टार बनते जा रहे हैं हैदर अली और नसीम शाह, जो कि हैं छोटा पैकेट लेकिन बड़ा धमाका। सोन हलवा हुआ पुराना, अब मुल्तान फेमस होगा उसके क्रिकेट की वजह से, और साइज में सबसे छोटा ग्राउंड लेकिन सबसे ज्यादा शोर मचाने का एजाज जाता है हमारे पिंडी बॉयज को। पिंडी बॉयज का आपको सलाम। ये सब और बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले शाउट आउट टू रियलमी जिन्होंने अपना लेटेस्ट फोन मुझे भेजा है जिसका नाम है Realme 5i। पे को नाजुक हाथों से खोलने के बाद ही मिलता है कि एक जबरदस्त किस्म का फोन लेटा हुआ है बिस्तर पे। इसमें है 4 कैमरे, इसका मतलब है कि अगर एक कैमरे से आपकी तस्वीर अच्छी नहीं आ रही तो आप बाकी के 3 कैमरे में से कोई यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त अगर आपकी शक्ल भी मेरी तरह है तो जैसा मर्जी कैमरा यूज कर ले, तस्वीर अच्छी नहीं है। इस फोन के अंदर है 5000 mAh की बैटरी, जिसका मतलब है कि अगर आप पूरी रात किसी के साथ फोन पे गुटर गु करते रहते हैं और इस बात से डरते हैं कि मैंने इसको चार्ज पे लगा के अगर कहीं मुंह के करीब रखा और कुछ छोटा सा पटाखा हो गया तो उस चीज का कोई भी गम नहीं है, क्योंकि ये फोन 5000 mAh बैटरी के साथ ना सिर्फ पूरा दिन चलता है बल्कि पूरी रात भी चलता रहेगा। हमारे जमाने में हमारा शुगर होता था छरे वाली गन के साथ गुब्बारे फोड़ना, लेकिन आजकल के बच्चों को चाहिए PUBG। इसलिए इस फोन के अंदर है Snapdragon 665, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। अच्छा, गेमिंग एक्सपीरियंस रहेगा बिल्कुल फ्लॉलेस। ये तीनों फीचर्स और प्राइस है इसकी 24,999, जो कि एक बजट कैटेगरी में आता है। ये था मैसेज फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स, और अब चलते हैं वीडियो। यहाँ पर 10,000 का है शायद। एक तो स्टेडियम दुबई में और अब हो रहा है, चूंकि पाकिस्तान के अंदर PSL तो बेहतरीन किस्म का माहौल बना, हर जगह हाउस फुल। मैं कहता हूँ मुल्तान में ना सोना मुल्तान, वीक डेज के ऊपर भी स्टेडियम ऐसे फुल है जैसे यहाँ पे मुफ्त की बिरयानी पट रही है। मैं कहता हूँ स्टेडियम छोटा सा है लेकिन पिंडी बॉयज ने भी गेम जो है वो बहुत ज्यादा उठाई हुई होती है। इतनी चीखें मारी कि जो इस्लामाबाद है वो भी उठ गया ना, कि मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं लेकिन सारी सपोर्ट जो है वो पिंडी यूनाइटेड से। गोरे भी यहाँ पे आके बिल्कुल पागल हो चुके हैं, पिंडी में आके कह रहे हैं कि इससे ज्यादा शोर हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना, और मुल्तान वाले कह रहे हैं कि इससे ज्यादा शोर हमने जिंदगी में कभी नहीं सुना। बेशक आवाम जो है वो इस चीज का शोर मचा रही हो कि उनकी महंगाई की वजह से जो है कमर टूट गई है, तो एंजॉय कर रहे हो, यही कह रहे हैं कि लवली यार बड़ा बेहतरीन किस्म का शोर। टेनिस को चेक करें, मैं तो कहता हूँ इस बॉय का जो है पाकिस्तान के अंदर आके शॉर्ट सर्किटिंग होगी, इसका जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। माहौल चेक करें फिर मुल्तान के स्टेडियम का। अरे यही तो थे वो सॉन्ग में। अच्छा, डांस का
200 क्या जबरदस्त है उनकी सेंचुरी मारी है, पीएसएल की फास्टेस्ट सेंचुरी मार ली गई है इसके अंदर, जो कि सिर्फ 45 बॉल्स की है। और ये भी यही कह रहे थे कि इतना ज्यादा शोर हो रहा था कि मुझे समय कुछ नहीं, मैंने कहा कि आज तो मैं इन क्राउड को खुश करके ही जाऊंगा और ये छक्का वो छक्का वाओ। फौजी सैटरडे वाला जो मैच था उसके ऊपर पीए की फाइट हो गई थी कैंसिल, जो कि बिल्कुल भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन वैसे पीए के आजकल स्टैंडर्ड जो है बहुत बेहतर हो चुके हैं और हमेशा मैं पीए के ऊपर ही ट्रैवल करता हूँ। लेकिन फ्लाइट हो गई थी कैंसिल क्योंकि मौसम था खराब। और फिर कौन आया, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस टू द रेस्क्यू, C-130 के अंदर लेके गए कोटा ग्लैडिएटर की टीम को मुल्तान। लगता है कि रस्ते में कुछ ज्यादा ही झटके लग गए थे इसलिए ग्राउंड में कुछ परफॉर्म नहीं कर सके और बुरी तरह से हार गए मुल्तान सुल्तान से। इस टूर्नामेंट की अगर कोई फाइंड है तो वो हैदर अली, क्या बेहतरीन किस्म की बैटिंग कर रहे हैं यार, छोटा सा बच्चा है 19 साल के और क्या बैटिंग करें। इसके बारे में साउथ अफ्रीकन कोच ने कहा था जब हमारी अंडर 19 की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका में गई भी थी, उसने कहा था कि यार आई नो मैं एक्सक्यूजेस नहीं ले रहा लेकिन इस बंदी की जो क्वालिटी है वो अंडर 19 क्रिकेट की नहीं है, ये इसी वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी बैठा हुआ है और वो हम सबको नजर आ रहा है पीएसएल के अंदर। दूसरी फाइंड है शाहीन शाह अफरीदी, मैं कहता हूं क्या लेगेसी फास्ट बॉलिंग है यार, मजा आ जाता है। जिस बंदे ने इसकी वीडियो शेयर की थी लीक करके, उन सबसे ये बदला ले रहा है और ये तुम लोग के घर में भी आके ना तुम लोग को बाउंसर मारेगा। बॉलिंग से इसको साइड पे लेके जाओ तो क्या जबरदस्त फील्डिंग कर रहा होता है, क्या कैच पकड़ा, मैं कहता हूँ कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो गया और उसके बाद भी जो है बिल्कुल ठंडा बैठा हुआ था, ऐसे कुछ किया ही नहीं। ये है एक लेजेंड प्लेयर की निशानी, पाकिस्तान का नाम सामने। ये तो हो गया, सन्नी को जब से पाकिस्तानी नेशनलिटी मिली है उनके घुटनों में से दाल निकल गई, उनकी कोनियों में से भी अखरोट, क्या बात कर रहे हैं, ना बॉय से बैटिंग हो पा रही है ना ही उनसे फील्डिंग हो पा रही है। इतना जोर तो वो धूप में पड़ा हुआ पाइनएप्पल केक जो है वो नहीं लगा था अपनी इंडियन नेशनलिटी प्रूफ करने के लिए जितना ये सेमी जो है लगा रहा है पाकिस्तानी नेशनलिटी प्रूफ करने के लिए। लाहौर कलंदर को गालियां देने का भी अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं तो गया हूँ थक, और हमारी आवाम भी इस तरह है कि अभी वो मूंछों वाली डाइन जो है वो आएगी और मुंह बना के बैठी हुई होगी स्क्रीन के ऊपर, जो भी हो इस बिनते बेचारे का जो है इसका दिल नहीं टूटना चाहिए था। जो भी हो सर राणा साहब, हम आपके साथ हैं क्योंकि हमारी आवाम तो सिर्फ शक्लों के ऊपर जाती है, किसी की शक्ल क्यूट हो तो वो बहुत ही मासूम आदमी है, किसी की शक्ल अच्छी हो तो वो आपको क्रिकेट का लेजेंड बना देता है, क्योंकि बचपन से ही हम फिल्मों में ये देखते हैं कि अच्छी शक्ल वाले लोग अच्छे होते हैं और बुरी शक्लों वाले लोग बुरे होते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीजें जो है वो इम्प्रिंट हो चुकी है, हम लोगों को उनकी शक्लों की बेस के ऊपर जज कर लेते हैं। आपकी शक्ल जैसी भी हो, आप जितने मर्जी क्यूट हो, जितने मर्जी अच्छे इंसान हो, ये बहुत अच्छी बात है, इंसान को अच्छा इंसान ही होना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपकी जो टीम मैनेजमेंट है वो 5 साल से वही है और 5 साल से हम उसकी ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं। इट्स अबाउट टाइम कि पीसीबी जो है इसका नोटिस ले और कुछ एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहां पे सिर्फ यारी दोस्ती निभाई जा रही है टीम्स के अंदर और सफर कर रही है पाकिस्तान की सेकंड सबसे बड़ी सिटी जिसके अंदर ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। फिर 12 ओवर्स का इनका मैच हुआ था पिछला, जिसके अंदर जो है अगली टीम ने 12 ओवर के अंदर पता नहीं जितने रन बना दिए थे, इनसे कभी 20 ओवर्स में नहीं बने। वैसे इनके साथ भी धोखा हो गया, दूसरी टीम्स को भी चाहिए कि थोड़ा सा रैम कर ले यार, एक दो वैसे खैराती मैच ही हार गए ताकि थोड़ी सी शर्म इनकी बन जाए, इनको उस मैच के अंदर कम से कम 20 ओवर दे देनी चाहिए कि तुम 20 ओवर में इसको चेस कर लो, तब भी मैं लिखवा के कह रहा हूं कि इनसे नहीं पब्लिक टीम इतनी कुट खा रहे हैं कि क्रिस लिन के सर से भी धुएं निकलना शुरू हो गए। वैसे समझ नहीं आया, मेरा ख्याल में गोरे जो है वो सर से सांस लेते हैं, यहाँ पर जो बचपन में सिगरेट पी के सही से धुआं निकल निकाला था ना वो अब थोड़ा थोड़ा करके निकल रहे हैं इनके सर से। खैर इन एनी केस मुझे लग रहा है कि गोरों की शर्म आनी शुरू होगी क्योंकि पाकिस्तानों को तो शर्म आती नहीं है, वो ही शर्म के मारे जो है ऐसा ऐसा इवेपोरेट होना शुरू हो गई। लाहौरियों का गोस्ट राइडर बना हुआ है ये, इतनी गर्मी फैली हुई किसके सर के अंडे उबाले जा सकते हैं, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दूसरे एंड के ऊपर फखर जमान की जो बैटिंग देख रहा होगा ना उसी की वजह से ये इतना तपा। उमर खान जो पिछले पीएसएल का जो है स्टार बॉलर था उसको इस मैच के अंदर खिलाया है और उसको बॉलिंग ही नहीं दी है, मुझे नहीं समझ आया कि ये किस किस्म का डिसीजन था, एक बॉल भी नहीं कराई गई मैच के अंदर। मुझे तो लग रहा है कि इसके 4 ओवर्स इसलिए बचाए गए ताकि अगले मैच के अंदर जो है ये पूरे 8 ओवर्स। यार मुझे ये बताएं कि फखर आलम को क्रेडिट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मैं इस बंदे का हूं बहुत बड़ा फैन, इतनी जबरदस्त किस्म की इसकी अनाउंसमेंट होती है मैं तो समझ नहीं आती कि ये बंदा आया कहां से है पाकिस्तान के अंदर। ये पहले जो है वो रैप गाते रहे या था गान में मुंडे हो भंगड़ा पाओ, लेकिन क्या बेहतरीन किस्म की अनाउंसमेंट करता है, WWE और बॉक्सिंग वाला स्टाइल जो होता है ना उसके लिए करता है, मुझे तो बड़ा पसंद है ये बंदा, पता नहीं आप लोगों का क्या इस बारे में ख्याल है, लेकिन फखर आलम दोस्त आई लव यू माइट, और ये वीडियो देखो कितना ज्यादा शुक्र कर रही है। मतलब वहाब रियाज ने फखर जमान को 3 बॉलों पे 3 दफा आउट किया, फखर जमान में फिर भी शर्म नहीं आई, पहली बॉल पे उसने जो कैच दी और हमारे कमरान अकमल ने ड्रॉप कर दिया जो कि हमें रिमाइंड करा दिया कि क्यों वो टीम के अंदर नहीं है, वो बोल्ड हो गया लेकिन पता चला कि कोई इतनी इजी नो बॉल होगी वो, और जो फखर साहब को फ्री हिट मिली उस पे भी वो कैच करवा चुके हैं। मतलब फखर साहब आपकी भी अजमत को सलाम है, आप 3 बॉलों पे 3 दफा आउट हुए हैं लेकिन रिकॉर्ड बुक्स में वो कभी भी नहीं आए। ये फेवरेट पार्ट है हमारा इस हफ्ते के मीम रिव्यू, और आपको बताता हूं कि आजकल कौन सी मीम्स जो हैं वो इन आज तो मैच जितवा के ही रहूंगा, खा मेरी कसम मर जाएगा तू, आई थिंक आई एम वाचिंग द रॉन्ग जलमी वर्सेस कलंदर्स मैच। ये क्या था भाई, ये कैसे नीचे से चेक कर, नीचे से ये दोनों बॉटम में रहेंगे। लवली, लवली।
عامر لیاقت حسین صاحب کی کیا ٹویٹ، پاکستان سپر لیگ، نواز شریف کا رانا فواد کو مہنگے کھلاڑی خریدنے کی بجائے امپائر خریدنے کا مشورہ، زرداری صاحب نے کراچی کنگز کو پھر سے تجویز دی کہ اتنے میچز کھیلنے کی بجائے ٹرافی چوری کی، تھینکس فواد رانا فار بکنگ 11 ٹکٹس ٹو ووہان چائنا، یہ میرے دوست ہیں وکاس جمیل اور انہوں نے شیئر کیا ہے، لاہور کلندرز کیپٹن از ایز یوز لیس از مادھوری، بعد میں گے لیکن یہ باقی یہ کپتان کون ہے، آئی ڈونٹ ایون نو دس گائے۔ خیر اسی کے ساتھ ہماری یہ پی ایس ایل کی ایپیسوڈ ہوتی ہے اختتام پذیر، اور اگر کوئی اور ریکمنڈیشنز ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور دیجیے گا، میمز اگر شیئر کرنی ہے تو میرے فیس بک گروپ کے اوپر آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے۔ ویڈیو بڑا ہی شاندار بنایا، مطلب یہ جو پچھلے کچھ میچز ہوئے اس کے بارے میں کچھ خاص خاص چیزیں بتا دیتے ہیں ان کی کومیڈی کے ساتھ، بہت صحیح طریقے سے بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں۔ اور یار یہ مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ ڈرن سیمی نے پاکستان کی نیشنلٹی لے لی ہے، یہ میرے لیے تھوڑا جاننا شاکنگ تھا، اور پرپوز گر گیا اس کے بعد، کافی زیادہ ہی ان کو ہو سکتا ہے وہاں اتنا پیار مل گیا ہو کہ انہوں نے بھائی دے دو لے ہی لیتا ہوں نیشنلٹی، صحیح ہے باقی ٹھیک ہے، جیسا رہی ہے کام چلنا چاہیے، بڑھیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ زیرو پہ آؤٹ ہونے لگ گئے، یہ بھی بتاؤ کہ وہ کیا ویسٹ انڈیز کی طرف سے کھیلیں گے یا پاکستان کی طرف انٹرنیشنلس میں، نہیں وہ تو جیسے اکشے کمار نے کینیڈین سٹیزن شپ لے کے رکھی ویسے ہی، یہ بھی صحیح ہے، ایسے راشد خان کو بھی چل رہا ہے انڈیا کی نیشنلٹی لے دینے کا، لیکن نہیں دے رہا، لے نہیں رہا ہے وہ، نہیں لے رہا ہے وہ، لے نہیں رہا ہے وہ، بھائی میں تو افغانستان افغانی کہلاؤں گا یار۔ پی ایس ایل کے میچ مجھے دیکھنا اسٹارٹ کرنا ہے یار، بالکل، کیونکہ کافی لوگ ڈیمانڈ کرے کہ آپ میچ دیکھو اور ریویو کرو میچ کا، تو ضرور دیکھیں گے، کوشش کریں گے، ٹرائی کروں گا کہ میں اب میچ دیکھوں۔ ابھی میں لائیو ہوا تھا کچھ دن پہلے انسٹاگرام پہ، وہاں پر ایک فین سے ہم نے لائیو بات کری، مطلب فیس ٹو فیس والا جو آگے نا پھر اس کا، تو انہوں نے بھی مجھے کچھ سچویشن دکھائی، اسلام آباد اور شاید کراچی کا میچ تھا، وہ میں نے ریکارڈ کر کے رکھا ہے وہ ویڈیو، میں اپلوڈ کر کے بتاؤں، اور انہوں نے بھی بولا کہ آپ پی ایس ایل آپ نہیں دیکھ رہی ہے وہ، تو دیکھنا اسٹارٹ کرنا ہے مجھے بھی۔ اور ایک چیز اور یار، یہ کامیڈی چینلس میں فونس کا ان باکسنگ ہو رہی ہے، مطلب شاید یہ کیا کانسیپٹ ہے، بٹ اندازہ بھی تو دیکھ کس طریقے سے ان باکسنگ کی ہے، اس کا جو طریقہ تھا بندہ نہیں لیتا ہو تو لینے لگ جائے کہ ٹھیک ہے یار بھائی نے پروموٹ کرایا، جس طریقے سے بولا ہے، کیا لائننگز یوز کری ہے کہ بھائی آج کل پہلے ہم وہ گندو چلاتے تھے، آج کل پاکستان میں ٹیک چینلز بہت کم ہیں، تو اس وجہ سے ہاں یہ بھی وجہ ہو سکتا ہے، کامیڈی چینلز کو بھی دیا جا رہا ہے، کیونکہ آج کل کامیڈی چینل ہی ٹیک چینل بن چکے ہیں لگ بھگ، جیسے ٹیک چینل میں آپ اگر لوگ چاہے تو ٹرائی کر سکتے ہو، اس کا مطلب ہاں بہت، اگر آپ کو ٹیک سے ریلیٹڈ نالج ہے تو پاکستان میں آپ ٹرائی کر سکتے ہو، کمپٹیشن وہاں پر کم ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کچھ ہی چینلس ہیں جو زیادہ فیمس ہیں انڈیا میں، تو ہر دوسرا چینل بنتا ہے ٹیک چینل ہے، ہاں دوسرا کیا، پہلی سوچ ہی ٹیک چینل کی بنتی ہے، ہم نے بھی ٹیک چینل ہی بنایا تھا پہلے، نہیں ٹیک چینل چلا نہیں تھا، فلوپ، تو آئیڈیا فلوپ اسٹارٹ کیا تھا، اینڈ اٹس سپر آئیڈیا، تھینک یو فار یور سپورٹ۔ سو گائز ویڈیو کیسا لگا، ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرو، سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین میک لو ناٹ وار۔